हाय एवरीवन, तो पैसे तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो इग्नू के स्टूडेंट के लिए होने वाली है, जिनका भी दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है उन स्टूडेंट के जिन्होंने जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया था, या जो इससे पहले के एक्स स्टूडेंट है, तो उन सभी के जो एग्ज़ाम है दिसंबर में होने वाला है। जिन्होंने भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया है उन सभी के जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में यानी अगले महीने से शुरू होने वाले हैं। तो अब सबसे बड़ा जो सवाल यही है कि जो एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के कमेंट्स थे इसको लेकर कि दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाले अगले महीने से इग्नू के, तो इग्नू के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, स्टडी कैसे करें, तैयारी कैसे करें, सर हमें तो कुछ नहीं आता। तो आज की वीडियो में आपको इसी चीज़ को लेकर डिस्कस करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो इग्नू से बिलोंग करते हो और जिनका जो एग्ज़ाम है वो अगले महीने से होने वाला है, उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। अगर आपको अपना सिलेबस नहीं पता तो सिंपली आप सिलेबस अपना डाउनलोड कर सकते हो इग्नू की वेबसाइट पर जाके। इग्नू की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ आपको हर एक सेमेस्टर का, हर एक कोर्स का आपको सिलेबस मिल जाएगा। इसके अलावा, सिलेबस के अलावा आप पिछले 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनसे भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि इग्नू की खास बात यह है कि इग्नू जब भी पेपर अपना कंडक्ट कराता है, पेपर होने के बाद जो इग्नू के क्वेश्चन पेपर है हर एक कोर्स के, वो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो जाते हैं। तो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप पुराने क्वेश्चन पेपर को निकाल सकते हैं। 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आप तैयार कर लो, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है उनकी तैयारी कर लो, उनको नोट कर लो और उन्हीं को आप करके जाओ, आपको डेफिनेटली आप देखना आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन रहता है, सर बुक से पढ़े या मार्केट से कोई स्टडी मटेरियल हम कलेक्ट कर ले, तो देखिए सिंपल सी बात बाद में बता रहा हूँ, जो इग्नू का जो स्टडी मटेरियल होता है वो सफिशियंट होता है आपके एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए भी और अच्छे नंबरों के लिए भी। बस फ़र्क ये रहता है कि इग्नू का जो स्टडी मटेरियल होता है, जो आपको मिलता है, जो बाय पोस्ट आता है, उस मटेरियल में थोड़ी सी जो जानकारी रहती है वो थोड़ी शॉर्ट रहती है। मतलब मान लीजिए अगर जैसे कोई आंसर होगा वो 1 पेज का रहेगा, बट आपको तो आंसर लिखना है 5 पेज का, क्योंकि इग्नू की खासियत है कि लिखकर ज़्यादा आना होता है, ठीक है। तो वो 1 पेज के अंदर मेन चीज़ें, कंक्लूजन पूरा दे दिया जाता है, तो उसी कंक्लूजन से आपको अपना पूरा आंसर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, पहले तो आप अपना स्टडी मटेरियल अगर आपके पास है तो उसको पढ़ लीजिए। अगर स्टडी मटेरियल नहीं है इग्नू का तो मार्केट से कोई भी एक हेल्प बुक आप खरीद सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगी, ठीक है। काफ़ी सारी पब्लिशर की बुक आती है, ठीक है, 1 नहीं 2 नहीं 3 4 तरीके की आती है। आपको जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगे, सपोर्ट मटेरियल अच्छा लगे, उसका सपोर्ट मटेरियल से आप अपना जो प्रिपरेशन है स्टडी का कर सकते हो। एक चीज़ और, इग्नू के अंदर स्टूडेंट काफ़ी कम फेल होते हैं, ये चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मोस्टली स्टूडेंट, मैंने कई सारी वीडियोज़ देखी यूट्यूब पर, तो वो ये कहते हैं कि सर इग्नू के अंदर हम फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, इग्नू में इतना फेल नहीं होते। अगर आप SOL को जानते होगा, आपको पता होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में ओपन कराता है SOL कॉलेज, तो उसके मुकाबले तो इग्नू में कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आप इग्नू में थोड़ा सा भी पढ़ के जाओगे ना और आप लिख कर आ जाओगे तो आराम से निकाल दोगे इग्नू का पेपर, ठीक है। पर सिलेबस कंप्लीट करके जाना, सारे क्वेश्चन अटैम्प करके जाना, अगर एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ा तो आपकी बैक आना निश्चित है। क्योंकि इग्नू की खास बात यह है कि क्वेश्चन जब सारे करके आओगे तभी आपको पासिंग नंबर के अच्छे नंबर ही मिल सकते हैं, ठीक है। और बाकी एक चीज़ और, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको अपनी स्पीड पे काम करना है, क्योंकि इग्नू के अंदर खासी ये रहती है कि 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा अगर आप फर्स्ट ईयर के, अगर आप सेकंड ईयर के तो 2 घंटे का पेपर रहेगा। लिखना कितना है कि हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है कम से कम 4 से 5 पेज में आपको देना है, तो स्पीड आपको इतनी बनानी है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री आपको मिलेगी है नहीं, एक ही सीट जो मिलेगी उसी में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो मैं एक कहूँगा कि 20 से 26 पेज की सीट होती है, आगे पीछे मिला के 2 पेज, तो आपको इस तरीके से लिखना है। जैसे मान लीजिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादा लिखना है, जैसा लगे कि हाँ भाई अब तो आधा घंटे से भी कम समय हो, 2 क्वेश्चन है, तो ऐसी कंडीशन में 3-3 पेज कर लेना लास्ट के, तो ऐसे में आप पास हो जाओगे, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। और एक चीज़ और, पॉइंट वाइज ज़्यादा लिखना एग्ज़ाम में तो आराम से आप पास हो जाओगे। और मटेरियल आप परचेस कर सकते हो, वरना जो 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको यूट्यूब वगैरह पे उनके क्वेश्चंस को पढ़ के स्टडी करके नोट्स खुद भी बना सकते हो। तो इग्नू का एग्ज़ाम मैं कहूँगा इतना टफ नहीं होता है, बहुत इजी होता है एज पर टू सोल से, तो इजी ही है इसका एग्ज़ाम, ठीक है। क्योंकि सोल का अगर आप देखोगे ना दिल्ली विश्वविद्यालय का, तब आपको पता चलेगा कि भाई हम तो इग्नू में ठीक है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो लेवल होता है ना पेपर का वो बहुत अलग है। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ इग्नू की, तो यहाँ का इतना एवरेज है, पढ़ के जाओगे निकाल दोगे।
छोटी सी वीडियो थी आपको समझाने के लिए, काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट थे, तो सिंपल सी मैं बता रहा हूँ, 10 साल के क्वेश्चन पेपर देख लो, सिलेबस कंप्लीट कर लो, बुक पढ़ लो, मार्केट से कोई मटेरियल ले लो, जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है कर लो। मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम से, जैसे मान लो जैसे कल एग्ज़ाम है, तो आज अगर रात से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 50-60% आप पास हो ही जाओगे, ठीक है। वैसे मैं ये कहूँगा, एक महीने से पहले से आप तैयारी कर लो, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, कौन सा सब्जेक्ट पहले उनकी तैयारी पहले करो, अगर गैप मिल रहा है तो गैप वाला भी बीच में ब्रेक करके तब उन सब्जेक्ट की तैयारी करो। छोटी सी वीडियो थी, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू सो मच।